अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम भाइयों का। उम्मीद है सब मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे और आप भाइयों के परिंदे भी अच्छे होंगे। भाइयों भी छत पर था, दाना पानी किया, मैंने कहा चलो आप भाइयों को जो है ना थोड़ा सा शौक कराऊं। जो मैंने पेयर्स में चेंजेस किए हैं और कुछ माशाल्लाह न्यू जोड़े लगाए हैं, चार जोड़े यहाँ न्यू डाले मैंने, और मैंने कहा चलो आपको शौक कराऊँ। दाना पानी करके फारिग हो गया था, अब जाने वाला था नीचे। ये जाली जो बारिश हुई है थोड़ा इस पर डस्ट वगैरह थी हट गई, अब अंदर का हिसाब किताब नज़र आ रहा है और ना ये बंद बिल्कुल जो है ना नज़र कुछ नहीं आता अंदर। खैर आज आपको जो है चार जोड़ों का शौक कराता हूँ जो मैंने अभी रिसेंट लगाए हैं न्यू। सब अपनी अपनी जगह बच्चे उड़ा रहे थे, अभी चेंजेस किए मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले पेयर नंबर वन, ये माशाल्लाह से पेयर नंबर वन है। ये वाइट अंग की मादा है और ये येलो अंग का नर है। तो सबसे पहले तो एक ही जोड़ा लगाया मैंने न्यू, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह। और अभी जो माशाल्लाह बच्चे मेरे पास आजकल जो उड़ रहे हैं वो इसी मादा के हैं, इसमें पांच बच्चे। इसके मैंने अंडे घुमा के जो है ना बच्चे इसके निकलवाए हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंट दो नर के साथ हैं। अब इसके साथ ये तीसरा लगाया घर के, वो भी दोनों टॉप क्लास नर है परवाज वाले, और ये भी परवाजी कबूतर है घर का। अब इसके साथ लगाया इस माता को, तो देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पहले वाले तो तूफ़ान में भी माशाल्लाह वापस आए, बड़ी कल का उन्होंने मुजाहरा किया, परवाज भी बहुत अच्छी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस नर से उनसे भी आगे के बच्चे निकलेंगे नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये नर माशाल्लाह मेरा बड़ा ही हॉट फेवरेट कबूतर है। इसका बाप भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर था, माँ भी, और उसने कभी जो है परवाज़ों में दगा नहीं दिया इस कबूतर ने, इसकी पूरे ब्लड में कभी किसी ने नहीं दिया। तो सबसे पहले एक ये पेयर लगाया भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही आला रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं मादी को, माशाल्लाह मादी भी बहुत लाजवाब है, दो दिनों से तो बहुत अच्छे बच्चे उड़ाए इसमें, अब ये तीसरा लगा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया पेयर नंबर वन। अभी इनको जो है ना पोर्ट दूंगा ब्रीडिंग वाला, अभी तो ऐसी बस छोड़ा हुआ है, दो चार दिन में इंशाल्लाह। और पेयर नंबर टू, अच्छा ये थोड़ा टाइम हो गया इसको लगे हुए, तो इसने माशाल्लाह अंडे भी दिए हैं। कबूतर आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियो में, बड़ा पुराना कबूतर है माशाल्लाह, बहुत आला रिजल्ट का, इसके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। और ये इस मादा के साथ लगा हुआ था, पहले भी इस मादा से लगा हुआ था, फिर इसको हमने उड़ानों में डाल दिया था, अब दोबारा उड़ानों से रोकी है तो ये दोबारा पेयर किया है माशाल्लाह। इसके भी दो पठापठी मेरे पास उड़ने वालों में हैं, और अब माशाल्लाह दोबारा इसने अंडे दे दिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे पहले वाले बच्चों को परवाज है और सियान है, इंशाल्लाह आपकी बार जो है ना उनसे भी अच्छे आएंगे। तो ये पेयर नंबर टू है भाई, वाइट अंक हैं दोनों माशाल्लाह, देख सकते हैं पंजों का कलर चेक करें कबूतर पे। फीमेल भी माशाल्लाह बहुत सुपर फीमेल है, बहुत लंबा उड़ी थी अभी ये परवाजों में, ये माशाल्लाह हर दिन तय खोलने के बाद ही बैठती थी पड़कों में, ये पर भी इससे कम था जो अभी आया माशाल्लाह। ये दो जोड़े हो गए, और जो तीसरा जोड़ा है ये भी उड़ान वाले कबूतरों में से है, ये आपको शौक कराता हूँ। ये मेरा माशाल्लाह से नर है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये इसकी फीमेल है, ये भी अंडे दे के बैठी हुई है, वाइट अंग की मादा है लालचीनी। और कल ही मेरे एक बड़े प्यारे भाई आए थे, इसकी एक बहन ले गए, उनको पसंद आई हुई थी, मैंने कहा चलो ले जाओ भाई, तो ये वाली मैंने जोड़ों में डाल दी। ये दोनों घर के ही माशाल्लाह पठापठी हैं और बहुत अच्छे उड़े हुए हैं। और जो सबसे पहला पेयर दिखाया है वाइट आंख वाली मादा के साथ, इस नर के भी दो बच्चे हैं,
ठीक है भाई उसके साथ, लेकिन मैंने ये लगानी थी, ये डाल दिए वापस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बहुत ही आउट क्लास किस्म के बच्चे निकलेंगे इनके इंशाल्लाह। तो ये भाई वो तीन जोड़े हो गए माशाल्लाह से, दो तो ये पहले ही लगा दिए थे मैंने, अंडे भी दिए। और अभी जो है चौथे पेयर की तरफ आते हैं। ये माशाल्लाह से चौथा पेयर है भाइयों, ये मेरा काना कबूतर है माशाल्लाह, आपकी मिसाल आप, बहुत ज़बरदस्त तीन मादियों के साथ इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। और अब मैंने उन तीनों से भी जो है ना सुपर मादा दी है इसको, ठीक है, मकोई है मादा भी और नर भी मकोया ही है, ये लाल फूलों का। तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, बड़ा ही बैलेंस जोड़ा लगाया अपने हिसाब किताब से, अपनी अकल से सोच समझ से। पंजों का कलर आप नर का देख सकते हैं, यहाँ पर भी माशाल्लाह से बिल्कुल ब्लैक। और इसका पट्टा जो जिसको बाज दे मारा था वो भी आगे जोड़ों में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो दोनों को, मादा को काले फूल हैं बीच बीच में कुछ और नर को लाल फूल हैं। तो ये माशाल्लाह से चार जोड़े नहीं डाले मैंने, और ये दो तो कल ही डाले, ऊपर वाले दो एक हफ्ता हो गया उनको शायद, तो उन्होंने अंडे भी दिए हैं। जिस तरह उसमें पेटी रखी है इसमें भी पेटी रख दूंगा, और ब्रीडिंग के लिए जो है ना पॉट रख दूंगा, बॉल एग नेस्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बहरहाल कबूतर तो पहले भी माशाल्लाह अच्छे हैं उड़ते हैं, लेकिन अब जो जोड़े लगा रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से इनका नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आना है इंशाल्लाह। बाकी नसीब की बात है, अपने हिसाब किताब से हमने बड़े अच्छे जोड़े लगाए, और लाजमी नहीं होता कि हर जोड़े का ताव बैठे भी। बहरहाल उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से बहुत अच्छी की है, क्योंकि ब्लड वाइज कबूतर बहुत अच्छे हैं, बॉडी वाइज भी इनको मैंने मेंटेन कर दिया है, परों वाइज भी इनको परों के हिसाब किताब से हर चीज़ से मैंने इनको जो है ना बैलेंस करने की कोशिश की है। और इस आठ के आठ कबूतर अपनी अपनी जगह माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत अच्छे उड़ा रहे और ख़ुद भी बहुत अच्छे उड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये खुद नहीं उड़े हुए, खुद भी उड़े हुए। जो मेरे पास नहीं उड़ा वो किसी और घर पर उड़ा होगा जहाँ से आया होगा, क्योंकि इसमें जो है एक मादा शेर वली भाई के घर की है, उनके पास बहुत अच्छी उड़ी है, लेकिन वो मेरे पास भी उड़ी है, आगे बच्चे भी उड़ाए उसने। तो ये कबूतर है भाई, वो चार जोड़े आपको शौक कराया इंशाल्लाह अल्लाह पाक के ज़ात से बड़ी उम्मीदें। और अभी जब तूफ़ानों में बच्चे वापस भी आए माशाल्लाह, वो भी नहीं गई हैं, लेकिन उस टाइम अलग अलग पेयर थे, और अब मैंने बिल्कुल ही चेंजेस किए इनमें, ये पहले कभी भी आपस में इस तरीके से ये पेयर नहीं लगे हुए सिवाय वो लाल वाले के, लेकिन वो तो परवाज़ों में डाल दिया था इसलिए मादा को जो है ना हटा दिया था, अब दोबारा लगाया है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट आएगा इनका, जो भी आएगा इंशाल्लाह भाइयों के साथ शेयर करूँगा। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मज़ीद आपको शौक भी करवाते रहेंगे और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी देते रहेंगे, ठीक है भाइयों। माशाल्लाह से अभी तो कबूतरबाजी तकरीबन मौसम गर्मा की ऑल ओवर पाकिस्तान में एंड हो चुकी हुई है, मानसून का सीज़न स्टार्ट है, अल्लाह पाक खैर आफत की बारिशें दे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो आगे अक्टूबर में बॉन्ड का शौक होगा, उसके अंदर जो इसी के पट्टे खींचूँगा सारे खाने के इंशाल्लाह, यही सब बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बच्चे जो है जिस्म नहीं छोड़ते। जैसे आप देख सकते हैं ये बड़े साइज़ का थोड़ा कबूतर है, तो उसके बच्चे भी ऐसे साइज़ के होते हैं, और बॉडी वो बिल्कुल भी जो है ना कमी नहीं करके आते उड़ानों में। ये आज की वीडियो थी भाइयों, यहीं तक थी इंशाल्लाह। फिर अभी तो बस लाइटें वाइटें ऑफ कर रहा हूँ, पानी वानी दिन में वो जॉब पे होता हूँ तो गर्मी बहुत है, पानी की बोतलें सब में रख देता हूँ भाई, फ्रेश पानी भर के, और सुबह उठ के दोबारा भर देता हूँ चारों खानों में, ताकि कबूतर जो है ना पानी की वजह से कोई कबूतर परेशानी में ना हो, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, इसलिए जो है ज़ाहिर है परिंदे हमने रखे हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी केयर करना भी। बाकी साफ़ सफ़ाई भी आजकल डेली हो रही है तकरीबन, इनको मैंने कुछ कैल्शियम रखा हुआ था अभी हटा देता हूँ कैल्शियम पाउडर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।